दोस्तों हैं बचपन से एक आदत होती है, कहानी सुनने की आदत। आपकी इसी आदत को आगे बढ़ाते हुए मैं महापुरुष के पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। महापुरुष के पहले एपिसोड में जो व्यक्ति हैं उन पर एक शायरी सटीक बैठती है कि जो मुस्कुरा रहा है उससे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। महापुरुष के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे पंकज त्रिपाठी का। आप कौन? मैं खामा खा। डब्बले में वैद्य विशारद, साहित्याचार्य, संगीताचार्य, अर्थशास्त्री, ये सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। महाराज जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, मालिक हैं उस शहर का। पंकज त्रिपाठी के जीवन की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से जिले गोपालगंज के बेलसर से। कितना मुश्किल रहा होगा ना कि कैसे गांव से निकलना, जहां बिजली भी काफ़ी लेट पहुंची और रेलवे की सुविधाएं अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, वहां से निकल के उस जगह पे पहुंचना, उस जगह पे अपना नाम बनाना जहां हर दूसरा व्यक्ति एक्टर यानी अभिनेता बनने के लिए आया है और बन कितने पाते हैं, बहुत कम। और उन्हीं बहुत कम लोगों में नाम शुमार है पंकज त्रिपाठी का। पंकज त्रिपाठी के जीवन से जुड़े किस्से जितने मोटिवेटिंग हैं उतने ही मज़ेदार भी। उनकी माँ बताती हैं कि पंकज त्रिपाठी का गांव नदी किनारे था, तो नदी किनारे गांव रहने के चलते बहुत सारे सांप बाहर आ जाते थे। जहां बच्चे डरते थे वहीं पंकज त्रिपाठी उन सांपों को लेके उन्हें डराया करते थे और कभी कभी तो पॉकेट में भी रख लिया करते थे। नदी के तीर बैठी लो सांप को चलत रहे निकल के जंगल झाड़ी में से पोछ धो के लगे नचावे के लड़का सब भागे लगे चिला के जाए बाप काट ली काट ली काट। पंकज त्रिपाठी के पिता का नाम बनारस तिवारी है, वो एक किसान है और एक पुजारी भी हैं। उनकी माता हेमवंती देवी एक गृहिणी हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, सवाल जायज भी है ये कि पिता जब तिवारी थे तो वो त्रिपाठी कैसे हो गए। दोस्तों इसके पीछे भी एक कमाल का किस्सा है। पंकज त्रिपाठी इसके पीछे किस्से में बताते हैं कि 9th तक उनके भी नाम में तिवारी था, लेकिन उनके एक दादाजी और एक चाचा जी अच्छे प्रोफेशन में थे, अच्छे सरकारी नौकरी मिली थी उन्हें, उनके भी नाम में त्रिपाठी लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपना नाम त्रिपाठी रख लिया, ये सोच के कि अगर मैं अपने नाम के सरनेम में त्रिपाठी लगाऊंगा तो मैं भी शीर्ष पे पहुंचूंगा। और ये बात सही भी हो गई। उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा गोपालगंज के DPH स्कूल में की। त्रिपाठी के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए पटना भेज दिया। वहाँ पढ़ाई के दौरान वो ABBP में शामिल हो गए और कॉलेज की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। पंकज खेलों में भी काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने हाई जंप और 100 मीटर स्प्रिंट में अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया। अपना कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स किया और उसके बाद उन्होंने पटना के होटल मोर में रसोईया का काम किया। घर में TV ना होने के कारण पंकज त्रिपाठी फिल्मों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे और थिएटर भी गांव से 20 किलोमीटर दूर था, इसलिए उन्हें थिएटर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। त्रिपाठी का बचपन से ही अभिनय की ओर झुकाव था और वो केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने गाँव में छठ महोत्सव में एक गर्ल आर्टिस्ट के रूप में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। एक बहुत पुरानी और बहुत पॉपुलर कहावत है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत कहावत होता है, लेकिन ये कहावत पंकज त्रिपाठी के जीवन में काफ़ी ज़्यादा सटीक बैठती है। पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला उनके हर बुरे वक्त में उनके साथ रही हैं। एक दौर था जब पंकज त्रिपाठी मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे और घर चलाती थी उनकी पत्नी मृदुला। हम लोग मुंबई आ गए थे मैं ड्रामा स्कूल ट्रेनिंग करके, और मालूम था कि यहाँ लड़ाई वक्त ज़्यादा लगेगा, तो हमने तैयारी की। हम बातों बातों हुआ कि तुम BEd कर लो, BEd करके आओगी तो मेरा पता नहीं कुछ वक्त लगेगा, तो BEd करके आई फिर स्कूल में पढ़ाई। पंकज और उनकी वाइफ मृदुला एक शादी में मिले थे, तब त्रिपाठी 11th क्लास में थे और मृदुला 9th क्लास में। समय से उन्होंने सोच लिया था कि उनकी पत्नी सिर्फ मृदुला ही बनेंगी और उन्होंने 15 जनवरी 2005 को उनसे शादी कर ली और अभी उनकी एक बेटी है जिसका नाम आशी त्रिपाठी है। पंकज त्रिपाठी ने अपने जीवन का शुरुआत किया एक थिएटर से जो कि पटना में स्थित था,
और वहीं से उन्हें शौक लग गया थिएटर का। साल 1995 में उन्होंने विष्णु साहनी लीला नंदलाल की कहानी पर आधारित नाटक में एक स्थानीय चोर की एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसे विजय कुमार द्वारा निर्देशित किया गया था। उनके प्रदर्शन को दर्शकों और मीडिया ने समान रूप से सराहा। उसके बाद वे एक नियमित थिएटर कलाकार बन गए और लगभग 4 साल तक थिएटर में अभ्यास किया। पटना में 7 साल बिताने के बाद पंकज त्रिपाठी अब दिल्ली आ गए थे। उन्होंने अपना दाखिला लिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, और वहाँ उन्होंने 2004 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और फिर वापस पटना लौट आए और वहाँ 4 महीने तक लगातार थिएटर किया। 16 अक्टूबर 2004 को वह अपनी अभिनय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी के साथ सपनों के शहर मुंबई पहुंच गए। 2004 से 2010 तक उन्होंने टाटा टी के लिए एक विज्ञापन सहित फिल्मों और टेलीविज़न में कई छोटी भूमिकाएं की। पंकज के शुरुआत में कमाई इतनी अच्छी नहीं थी जिससे घर चल सके, तो उनकी पत्नी ने मुंबई के गोरेगांव में पढ़ाना शुरू किया और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उसी टीचिंग के पैसे से घर चलता था। पंकज को फिल्मों में एक्टिंग का मौका मिला साल 2004 में। एक फिल्म आई थी रन नाम से, अगर आपको याद हो उसमें अभिषेक बच्चन और विजय राज ने अभिनय किया था। ये वही फिल्म है जिसमें विजय राज के किरदार को एक व्यक्ति छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा देता है और कपड़ा लेकर भाग जाता है, और जो कपड़ा लेकर भाग जाता है वही है पंकज त्रिपाठी। तब हम उनको उतने अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन अब आप अगर देखेंगे तो पक्का पहचान जाएंगे। 2010 में उन्हें स्टार प्लस पर गुलाल नामक एक टीवी ड्रामा सीरीज में एक भूमिका मिली। गुलाल की शूटिंग के दौरान पंकज को अनुराग कश्यप की गैंग ऑफ वासेपुर की ऑडिशन के लिए कॉल आया। ऑडिशन लगभग 8 घंटे तक चला और उन्हें सुल्तान की भूमिका की पेशकश की गई। फिल्म में उनके प्रदर्शन को दर्शकों ने खूब सराहा और उन्हें कई फिल्म निर्माताओं से अधिक प्रस्ताव आने लगे। फुकरे मांझी, द माउंटेन मैन और मसान जैसी कई फिल्मों में आलोचकों और दर्शकों ने पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग को खूब सराहा। गैंग ऑफ वासेपुर के सफलता के बाद पंकज त्रिपाठी के जीवन में कई बड़ी बड़ी फिल्में आईं, जिनमें मांझी द माउंटेन मैन और मसान का भी नाम शामिल है, और इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा सफलता की ओर। कई एक के बाद एक बड़ी फिल्में आईं, उसके बाद आया देश का सबसे चर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर। मिर्जापुर में कालीन भैया के किरदार को इतना सराहा गया कि उनके कई अवार्ड दिए गए। पंकज त्रिपाठी की सबसे खास बात यह है कि उनको जो किरदार दिया जाता है उस किरदार में वो खुद को डुबा लेते हैं, उस किरदार के ही हो जाते हैं। चाहे बात करें गुंजन सक्सेना में पिता की या क्रिमिनल जस्टिस में लॉयर की। और अब तो आलम ऐसा है जनाब कि पंकज त्रिपाठी का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। पंकज त्रिपाठी का टैलेंट किसी अवार्ड का मोहताज नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पंकज त्रिपाठी 4 फिल्म अवार्ड और 2 टेलीविज़न अवार्ड जीत चुके हैं। कई फिल्मों का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसमें मिर्जापुर 3, ओ माई गॉड 2 से लेकर कई फिल्में हैं। हाल ही में पंकज त्रिपाठी ने एक अनाउंसमेंट किया कि वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बायोग्राफी की मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और सबसे खास बात यह है कि पंकज त्रिपाठी इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिए हैं। तो दोस्तों, ये था महापुरुष का पहला एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों अपने परिवारों के साथ शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।